हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU टेक टिप्स के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पे हम बताते हैं आपको ऐसी टेक्नोलॉजी की टिप्स जो कि आप अपने स्मार्टफोन पे PC पे यूज़ कर सकते हैं और कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि और लोगों को नहीं पता है और इससे आपका एक्सपीरियंस बेहतर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहली टिप के बारे में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे होते हो अपने आईफोन पे, अपने एंड्रॉयड पे, और जिस भी वेबसाइट में आप लॉगिन करते हैं तो गूगल क्रोम आपसे कहता है कि भाई पासवर्ड रिमेंबर कर लो, पासवर्ड रिमेंबर करो। इस तरह की नोटिफिकेशन बहुत बार आती है और ऐसे में इस नोटिफिकेशन को आप डिसेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल क्रोम खोलना है अपने फ़ोन पे, फिर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, उसमें पासवर्ड पे जाना है और वहां पे कर देना है डिसेबल सेव पासवर्ड। इससे आपको गूगल क्रोम बार बार पिंग नहीं करेगा कि ये पासवर्ड सेव कर लो, पासवर्ड सेव कर लो, और उस तरह से आपकी ये अनॉयंस बचेगी और कहीं ना कहीं आपका पासवर्ड भी सिक्योर रहेगा, क्योंकि जिस भी डिवाइस में आप लॉगिन कर रहे हैं जो कि आपका फोन नहीं है, ऐसे में उस फोन के अंदर वो पासवर्ड सेव नहीं होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गूगल ने आज तक जितनी भी फोटोज आपकी अपलोड करी हैं आपके फ़ोन से, चाहे वो गूगल फोटोज के बैकअप में हो या किसी भी सर्विसेज के थ्रू, उन सब फोटोज को आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, पूरे लाइफ टाइम में आपके गूगल अकाउंट में जो भी फोटोज अपलोड हुई हैं, चाहे वो जीमेल से हुई हो या फिर और किसी गूगल सर्विस से, उन सबको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है takeout.google.com पे और वहां पे आपको सारी सर्विसेज को अनसिलेक्ट कर देना है, सिर्फ गूगल फोटोज को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट करके आप अपनी सारी फोटोज जो कि गूगल के पास हैं आपकी, उनको डाउनलोड कर सकते हैं और बैकअप करके एक फिजिकली स्टोरेज ड्राइव में रख सकते हैं। और इससे अगेन आपकी गूगल ड्राइव की जो स्टोरेज है उसकी भी स्टोरेज बढ़ जाएगी अगर आप उन फोटोज को बाद में डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने अकाउंट की 15 GB की लिमिट को रीच होने से पहले ही बचा सकते हैं, ताकि आपको पैसे नहीं देने पड़े जीमेल या गूगल अकाउंट यूज करने का, क्योंकि उसमें सिर्फ 15 GB तक की स्टोरेज अलाउड होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप अपनी WhatsApp के चैट मैसेजेस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, WhatsApp अपने फ़ोन पे लॉन्च करना है, जो भी चैट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस चैट के अंदर मोर पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको एक्सपोर्ट ऑप्शन मिल जाता है, फिर आप उस चैट को टेलीग्राम से खोल सकते हैं और इस तरह से जो भी आपके साथ चैट कर रहे हैं अगर वो टेलीग्राम पे भी हैं तो आप उस चैट को टेलीग्राम पे ले सकते हैं। मेरे हिसाब से टेलीग्राम ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि WhatsApp के अंदर नई प्राइवेसी पॉलिसी के चलते फेसबुक के साथ वो डेटा शेयर करेगा, तो अगर आप वो सब नहीं चाहते हैं तो उस केस में आप WhatsApp की चैट को टेलीग्राम पे कुछ इस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारी ही टिप्स के लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके इन सभी टिप्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।